Hi friends, this is Pooja and you are watching Pooja Talks on YouTube. Today I have a great news for जो 10वीं पास हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं. जी हाँ, 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 204,162 सरकारी नौकरियां उपलब्ध हैं. भारत में समय समय पर 10वीं पास छात्रों के लिए बहुत सी भर्तियां निकाली जाती हैं, लेकिन सभी 10वीं पास जॉब्स की जानकारी उम्मीदवारों को नहीं मिल पाती है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वो सारी की सारी पोस्टें जो आने वाली हैं या जो हैं वो सारी अपनी इस वीडियो में डाली हैं. तो आप वो सारी की सारी पोस्ट को चेक कर सकते हैं, ध्यान से सुन सकते हैं और किस चीज़ के लिए आप एलिजिबल हैं वो आप फिल कर सकते हैं. तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं. देखिए यहाँ पर टेबल रिप्रेजेंट किया है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, नेम ऑफ़ द पोस्ट मैं आपको बताऊँगी और नंबर ऑफ़ द पोस्ट कितनी है और उसको अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं जॉब की, ऑर्गेनाइजेशन नेम इज़ ओडिशा स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अंदर असिस्टेंट फोरमैन या मैनेजर की पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 27 हैं और इसको अप्लाई करने की डेट 23 अगस्त 2018 है. दूसरी जॉब की अगर बात करें तो तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ऑपरेटर और असिस्टेंट की जॉब निकाली गई है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 82 हैं. और थर्ड वन इज़ सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के अंदर माइनिंग सीडर एंड इलेक्ट्रिशियन नॉन एक्सेसिव एंड टेक्नीशियन की जॉब निकाली गई है जो कि 480 पोस्टें हैं और 10 सितंबर 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल सोसाइटी धनबाद में बहुत सारी पोस्ट हैं. नंबर ऑफ़ पोस्ट वहां पर 16 हैं और 14/9/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. यहां पर मैं आपको ऑल इंडिया की जॉब्स के बारे में बता रही हूं. आप अपनी लोकेशन के हिसाब से किसी भी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं. जॉब की अगर बात की जाए तो वेस्ट बंगाल पोस्टल सर्कल की तरफ से जॉब निकाली गई है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जिसमें 51 पोस्ट हैं और 4 सितंबर 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा एंड कल्चरल कोटा के अंदर 23 पोस्टें निकाली गई हैं और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4/9/2018 से लेकर 19/9/2018 तक. इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी जॉब निकाली गई है ड्रेज मास्टर की और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 31/8/2018 है. आगे अगर मैं जॉब्स की बात करूं तो सर्व शिक्षा अभियान गुजरात में असिस्टेंट वार्डन एंड टीचर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पोस्ट निकाली गई है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 25 हैं और 15 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. इसके बाद अगर बात करें वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की तो यहाँ पर स्टाफ नर्स टेक्नीशियन ऑटोमेटरी टेक्नीशियन जूनियर टेक्नीशियन एंड वेरियस अदर पोस्टें निकाली गई हैं. नंबर ऑफ़ पोस्ट 236 हैं और इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 25 अगस्त 2018 है. आगे अगर बात करें जॉब की तो सैनिक स्कूल के अंदर TGT एंड लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट है 10/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ मोरेगांव में पैरा लीगल वॉलंटियर्स में 50 नंबर ऑफ़ पोस्ट हैं और 18/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. नेक्स्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंदर पॉइंट्समैन SSC JEE एंड अदर पोस्टें निकाली गई हैं. नंबर ऑफ़ वैकेंसीज यहाँ पर 1091 हैं और 3/9/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. इसके अलावा कर्नाटका स्टेट पुलिस की तरफ से स्पेशल रिजर्व पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है. नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 517 हैं और 24/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. MP व्यापम में भी जेल प्रहारी की जॉब निकाली गई है जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 25/8/2018 है. आगे बात करते हैं इंडियन आर्मी में सोल्जर्स की पोस्ट निकाली गई है जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 14/9/2018 है. डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया में स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब निकाली गई है जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट 9 हैं. इसके अलावा उत्तर प्रदेश एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर वेरियस पोस्ट हैं, 8,000+ पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं और 31 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है. चित्रांजन लोकोमोटिव वर्क्स में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एंड
फार्मेसिस्ट ग्रेड थर्ड की ज़रूरत है, पोस्ट निकाली गई है, जहाँ पे 22 पोस्टें हैं और 21 से 23 अगस्त के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। रेल कोच फैक्ट्री स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 8 पोस्टें हैं जिसको अप्लाई करने की लास्ट डेट 3/9/2018 है। तमिलनाडु पोस्टल सर्कल की तरफ से मल्टीटास्किंग स्टाफ की ज़रूरत है जिसमें 86 पोस्ट खाली हैं और 20 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आगे देख लेते हैं अदर वैकेंसीज। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में स्पोर्ट्स कोटा के अंदर 21 पोस्टें हैं और 10/9/2018 इसको अप्लाई करने का लास्ट डे है। BARC में भी जॉब निकाली गई है स्टिपेंडियरी ट्रेनीज कैटेगरी फर्स्ट एंड सेकंड के लिए, जहां पे 222 पोस्टें हैं और 20 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। हिमाचल स्टेट गवर्नमेंट ने पटवारीज की जॉब निकाली है जहां पे 1120 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और नवाकुल डॉकयार्ड मुंबई के अंदर अप्रेंटिस की जॉब हैं जहाँ पे 318 पोस्टें हैं और 27/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंदर माइन सीडर माइन मेट सहायक एंड जूनियर गवर्नमेंट फोरमैन सहायक की ज़रूरत है। 30 पोस्ट हैं और 13/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सिक्किम हाई कोर्ट की तरफ से स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड थर्ड की जॉब निकाली गई है, 13/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर जॉब्स निकाली हैं, ट्रेनीज इलेक्ट्रिशियल ऑफिसर एंड ट्रेनी इलेक्ट्रिकल ऑफिसर एंड इलेक्ट्रिकल ऑफिसर्स जो पोस्टें हैं वो 50 हैं और 23 से 25 अगस्त तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी की तरफ से भी जॉब्स निकाली गई हैं। SSC ऑफिसर्स की 118 नंबर ऑफ पोस्टें हैं यहाँ पर और 24 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो यहाँ पर वैकेंसीज तो बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आप इसको अपनी लोकेशन के हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं और कौन कौन सी जॉब्स हैं। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में टीचर की पोस्ट की रिक्वायरमेंट है जहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट हैं 50 और 10/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर वर्क असिस्टेंट एंड MTS की पोस्ट की ज़रूरत है जहाँ पे 5 पोस्टें खाली हैं और 24 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब निकाली गई है, नंबर ऑफ पोस्टें 15 हैं और 24/9/2018 इसकी लास्ट डेट है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ग्रुप सी सिविलियन की जॉब्स निकाली गई हैं, 27/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से जेल वार्डर की जॉब है, 670 पोस्टें यहाँ पर खाली हैं और 16/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की तरफ से फार्मास्यूटिक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जूनियर वीवर एंड अदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, 19 पोस्टें खाली हैं, 20/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नर्स और अदर जॉब्स निकाली हैं, 116 पोस्टें यहाँ पर हैं और 30/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से GD कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई हैं, 17/9/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। आगे देख लेते हैं, तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से हेल्थ असिस्टेंट ASO की रिक्वायरमेंट है, 293 पोस्टें यहाँ पर हैं और 22/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस की जॉब निकाली गई है, 142 पोस्टें खाली हैं, 12/8/2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। शास्त्रा सीमा बाल की तरफ से कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्टें निकाली गई हैं, 8,546 पोस्टें हैं यहाँ पर खाली और 20 अगस्त 2018 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी पोस्टें निकाली गई हैं, कांस्टेबल जनरल ड्यूटी की पोस्टें यहाँ पर रिक्वायर्ड हैं, 16,984 पोस्टें यहाँ पर दिख रही हैं नंबर ऑफ और 20 अगस्त 2018 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी कांस्टेबल की पोस्ट निकाली गई है, 200 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 20/8/2018 तक आप इसको फिल कर सकते हैं।
INCOIS की तरफ से प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट की रिक्वायर्ड है एंड 33 पोस्टें यहाँ पर हैं और 31 अगस्त 2018 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से ITI अप्रेंटिस की 100 पोस्टें निकाली गई हैं और 20 अगस्त 2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके अलावा नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस पाटिल की ज़रूरत है, 455 पोस्टें हैं यहाँ पर और 13-8-2018 इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबालपुर की तरफ से स्पोर्ट्स कोटा के अंदर जॉब्स हैं, 21 पोस्टें हैं यहाँ पर, 10-8-2018 तक आप इसको फिल कर सकते हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की तरफ से ड्राइवर, JE ऑफिसर एंड अदर पोस्टें रिक्वायर्ड हैं, 16 वैकेंसीज यहाँ पर खाली हैं और 10-8-2018 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ वैकेंसीज वेयर यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन एंड अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यहाँ पर एक बात मैं आपको और कह दूँ कि इन सभी जॉब्स के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, क्योंकि नंबर ऑफ़ जॉब्स हैं मैं यहाँ इस वीडियो के अंदर आपको नहीं प्रोवाइड कर सकती थी, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इन सभी पोस्ट के लिए लिंक दिए हैं। आप उन लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके सारी डिटेल्स इसके बारे में निकाल सकते हैं। सो विश यू गुड लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।